ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, बोलो बोलो बोलो। कहीं जुल्फ निगाह Hey, what's up guys? Welcome back to another video, another vlog, another day. तो आज के दिन मुझे होने जा रहा है कि आज के दिन है 31st December। तो आज हम लोग जा रहे हैं आपको पार्क स्ट्रीट का रैला दिखाने, मतलब बहुत ही साफ पार्टी होता है हर तरफ, मतलब समझ लो जॉयफुल एरिया, ऑब्वियसली कोलकाता तो जॉयफुल है ही, तो हर जगह पार्टी वार्टी, स्ट्रीट लाइट, ये वो फलना डिगना, बहुत तरह की चीज़ें होती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहो इस वीडियो के साथ। तो आज कुछ ऐसा धमाल होने वाला है जो कि शायद पिछले वीडियो में भी हुआ था, अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो जाओ, ये देखो टैग आ गया ऊपर में, तो जाओ और देख लो, वो वाला वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त धमाल वाला था। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जाए और करें। तो अभी चलो यहाँ से भी फटाफट, क्योंकि लेट हो चुका है काफ़ी, और लेट्स गो। हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं धर्मतल्ला, और यहाँ से हम लोग जाएंगे बाय द फूड पार्क स्ट्रीट। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर रुके हैं क्योंकि यहाँ पर पीछे में फ्रूट्स वगैरह मिल रहे थे, सैलड फ्रूट्स तो बहुत ही ज़बरदस्त था, हर चीज़ एकदम, एक चीज़ भी ऐसा नहीं जो कि बढ़िया रहता, सारा चीज़ बेस्ट था। तो यहाँ पर धर्मतल्ला देख सकते हो गाइस, ये धर्मतल्ला, अगर आपने मेरा पिछला कोलकाता वाला वीडियो देखा होगा तो इस जगह को अच्छे से जानते होंगे। और सीधा स्ट्रीट अगर हम लोग जाएंगे तो पार्क स्ट्रीट पहुँच जाएंगे। तो गाइज अभी यहाँ पर से निकलते और पार्क स्ट्रीट पहुँचते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है, तो लेट्स गो, मज़ा आएगा। हे गाइज, यहाँ का आप लोग सजावट देख सकते हो यार, मतलब इतना ऑसम सजाते हैं यहाँ की गवर्नमेंट, ये बंगाल गवर्नमेंट सजाती है ऑल ओवर, मतलब कोलकाता को इतने शानदार तरीके से, लाइक मुझे लगता है कि और कोई भी स्टेट में गवर्नमेंट नहीं सजाती होगी जितना यहाँ पर, मतलब इसीलिए इसका नाम कहा गया है जॉय ऑफ सिटी। तो भाई बहुत फैब, पूरा का पूरा हाईवे, कोई सा भी फ्लाईओवर कोई भी नहीं बसता भाई, सारा का सारा सजा होता है बिल्कुल ऐसे ही जैसा आप देख रहे हो अभी हमारे कैमरे पे। और भाई बहुत गजब सीन होता है भाई यहाँ पे। अभी पार्क स्ट्रीट हम लोग पहुँचने वाले हैं, वहाँ का तो अलग ही नज़ारा बिल्कुल, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बहुत ज़बरदस्त। तो भाई हम लोग आ चुके हैं पार्क स्ट्रीट में, और यहाँ पर भीड़ देख सकते हो बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पीछे क्या ब्यूटीफुल सा सजा हुआ है, बहुत ही गजब का नज़ारा है, यहाँ पर लोग चारों तरफ से आते हो, ये बीच के स्ट्रीट खाली होता है, इसी का नाम है पार्क स्ट्रीट। और यहाँ पे बहुत सारे क्लब है आसपास में जहाँ पे सेलिब्रेशन वगैरह होते हैं, तो बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो, लग रहा है यार मतलब ऑसम जगह है यार, साफ जगह है, और यार बहुत मज़ा आएगा, मतलब लोग आ रहे हैं यहाँ पे फोटो शूट वगैरह, और बहुत तरह की मस्ती होती है रात को जब 12 बजते हैं तो एक अलग ही यहाँ पे जोश होता है भरा हुआ, वो जोश मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, जो जोश होता है यहाँ पे भरा हुआ देख सकते हो गाइस, मतलब इस तरफ पूरा क्लब भरा हुआ है, बार है, क्लब है, और इस तरफ पूरे रोड सजे हुए, और दूसरी तरफ भी लोग जा रहे हैं, और इस दूसरी तरफ भी रोड जा रहे हैं, मतलब लोग बहुत ही सही मैनेजमेंट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पुलिस का प्रोडक्शन देख सकते हो बहुत हार्ड है गाइस, बहुत हार्ड है। अभी मेरे को अपने फ्रेंड को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं वो लोग कहाँ गए हुए, अभी तक दिख नहीं रहे, उन सबको ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस अभी बाहर में बहुत ज़्यादा भीड़ होते जा रहा है, कंटिन्यू क्राउड बढ़ते ही जा रहा है, मतलब रात को आई मीन 12 बजे तक 1 बजे तक ऐसे ही क्राउड रहेगा, तकरीबन 2 किलोमीटर का ये स्ट्रीट है जो कि पूरा का पूरा फुल ऑफ क्राउड है। तो अभी थोड़ा सा रिलीफ लेने के लिए हम लोग आ गए हैं स्टारबक्स में, थोड़ा कॉफ़ी वॉफी पी लेते हैं, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि 12 बजे का क्या नज़ारा होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, कुछ दोस्त लोग थे, हमारे तो उन लोग अभी घूम शुदा हो गए, मतलब वो लोग भीड़ में कहाँ आगे चले गए, तो उन लोगों को बुलाया अभी,
अगर एक बार वो लोग आ जाए देन आफ्टर वी विल एंजॉय यू नो पार्टी, और पार्टी कोई नहीं है, ऐसे स्ट्रीट पर आज एंजॉय करेंगे, पार्टी होगी तो कल आप लोग लगे रहो मस्ती करो। इस सारे के सारे लौंडे मिल चुके हैं यहाँ पे जो कि गायब हो चुके थे, कुछ कोई कहीं जा चुका था, कोई कहीं जा चुका था। खैर आमिर सोहेल हमारे साथ ही था और सब लौंडे गायब हो चुके थे, सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। और अब 12 बजने वाले हैं और ये देख सकते हो मूड काफ़ी पार्टी वाला स्टार्ट हो गया, लोगों के अंदर जोश आ गया, क्राउड देख सकते हो भाई। अल्टीमेट क्राउड है, अल्टीमेट भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे और लोग बिल्कुल पागल से हो रहे हैं। अभी बस 12 बजने ही वाला है गाइस, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या धमाल होता है। मतलब जितना भी पॉप क्लब सब के सारे फुल है, सारे रिजर्व है यहाँ पे। तो अगर आप कभी आना चाहो तो बेशक आओ, बट थोड़ा पहले आओ ताकि आपको पब या क्लब का टिकट वगैरह मिल जाए अगर वहाँ पे इंजॉय करना है। अदरवाइज़ यहाँ स्ट्रीट पर ऑलरेडी काफ़ी इंजॉय होता है, कभी आओ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लोगों के बीच इतनी सारी भीड़ होती है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सीन लग रहा है। आप लोग एक साइड खड़े हो रहे हैं क्योंकि 12 बजने वाले हैं, तकरीबन यहाँ पे 30 मिनट्स और बचे हैं, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा और गाना भी बज रहा है। अलग अलग लोग, ऐसा फील ही नहीं आ रहा, मतलब अलग ही लेवल का यहाँ पर पार्टी चलता है। ऑन द रोड कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, बहुत ज़बरदस्त है गाइस। अब सिर्फ एक मिनट बचा है 12 बजने में, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या ही शोर होने वाला है। आप लोग बस देखते रहो कंटिन्यू कितना शोर होने वाला है यहाँ पे, बस एक मिनट और बचा है, उसके बाद हर तरफ शोर ही शोर होगा। लोग बिल्कुल चारों तरफ लोग खड़े हो चुके हैं, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर इस तरफ है और 1 किलोमीटर इस तरफ कंटिन्यू जो पार्क स्ट्रीट है एक्चुअली में। लोग हे गाइस, तो अभी जस्ट हम लोग पार्क स्ट्रीट से निकले हैं बहुत ही मुशक्कत से। ये गाड़ी है क्या आपका? नहीं ये गाड़ी नहीं, वाइट गाड़ी, वाइट ही है। हे गाइस, तो अभी बहुत ही मुशक्कत से, बहुत ही मतलब समझ रहे हो, दिक्कत से अभी पार्क स्ट्रीट से निकले हैं। इतना ज़्यादा रश हो गया था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि अल्टीमेट क्राउड था, मतलब बता नहीं सकते। लास्ट में पुलिस वालों ने काफ़ी मुशक्कत करके लोगों को निकाला, धक्का दे रहा है ये वो, मतलब अल्टीमेट भीड़ था, बहुत मुश्किल से बाहर निकले। अभी अपन लोग जा रहे हैं क्योंकि पार्टी भी ख़त्म नहीं हुई है, पार्टी अभी बाकी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक ढाबा पे जहाँ पे बहुत शानदार मतलब खाना वाना खाएंगे और वहाँ पे पार्टी वार्टी है, तो बने रहो यार। और हमारे साथ फ़िलहाल कुछ लोग जो साथ में थे वो लोग चले गए और जो साथ में थे कुछ हमारे पास है, तो लेट्स गो।
हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और अपने डेस्टिनेशन पे, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं यार चारों तरफ, हमें लग रहा था भाई कि यहाँ पे कोई नहीं होगा, खाली खाली सा होगा, बट इतनी दूर पे ढाबा, जो कि कह सकते हो ढाबा नहीं है भाई, पूरा फूड कार्ट एरिया, पूरा का पूरा फूड कार्ट एरिया, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर का क्राउड है और बहुत शानदार, अभी समय लग जाएगा, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही शानदार यहाँ पर इन्वायरमेंट है, पार्टी वार्टी हर जगह चल रही है, अपना खाना पीना ए टू, बहुत बवंडर जगह है, बहुत बवंडर जगह। तो अभी दिखाता हूँ अपने दोस्तों को भी। अरे गाइस, कैसा फील हो रहा है यार? बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई। अरे यार ऐसा और ये देखो सिंह लगा के घूर रहा भाई, बहुत नोटिस में। एक तो गाना सुना दो यार, कहीं जुल्फ निगाहें तो यहां, हां फिर से एक बार बोल दो यार, हमारे ऑडियंस को अच्छा लग रहा, बोलो कहीं जुल्फ निगाहें तो। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल जॉली मूड हो चुका है, और पीछे में देख सकते हैं गाइस बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट वगैरह, पूरा का पूरा फूड कार्ट एरिया है यहाँ पे चारों तरफ, और भीड़ देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्राउड है, और बिल्कुल हाईवे, और सामने में पूरा आईटी हब है, पूरा का पूरा आईटी हब है, सारी बड़ी टीसीएस, कैपेज मिनी, ए टू जेड सारे यहाँ पे है, और यहाँ पे फैमिली भी आई हुई है, और लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो यहाँ पे जो वर्क करते हैं आईटी फील्ड में, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हुए और चिल कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो अभी हम लगा है भूख भूख लगा है दोस्तों, अभी जाएंगे कुछ खाएंगे, उसके बाद होगा पार्टी शुरू, मतलब बवंडर होगा बवंडर। तो पहले जाते हैं कुछ खाते हैं, फिर मना लेते हैं। ओके तौसीफ, ऐसा इन्वायरमेंट भागलपुर में आने में कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम 40 साल लग जाएगा, लेकिन उम्मीद रहे 40 साल में ऐसा बन पाएगा। नहीं, वो अपने बाप के बाप बेटा का क्या वाला डायलॉग, 40 साल के मतलब बेटा हो जाएगा, बेटा का बेटा हो जाएगा, बाप हो जाएगा, तब भी भागलपुर ऐसा नहीं बनेगा। तो ऐसा भाई, तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट है इनका कि भागलपुर में ऐसा इन्वायरमेंट जो है, थोड़ा कर करो, थोड़ा नेक्स्ट 10 साल तक ऐसा नहीं हो पाएगा, बट हम लोग कोशिश करेंगे, उसे बनाएंगे, क्योंकि अब तो आमिर सोल हमारे साथ है। आमिर सोल गाइस, तो हम लोगों का खाना आ चुका है गाइस, काफ़ी लेट हो चुका है, टाइम देख सकते हो तकरीबन 3:30 से ऊपर हो गया है, और अब जाके खाना आया है, सब मिलके खाने की तैयारी में पूरे के पूरे। कैसा स्वाद है भाई? बहुत अच्छा लगा, जैसा यहाँ का वाइब है वैसा स्वाद है, बहुत तगड़ा स्वाद है। और ये कुत्ता वैन बहुत डिस्टर्ब कर रहा भाई, हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये कुत्ता ने आ गया, लड़के लोग इसके पीछे पड़ गए पता नहीं क्यों। तो भाई अभी खाना खाते हैं, बहुत जोरदार खाना आया, पता नहीं रोटी कम आया यार, ठीक है अभी देखते हैं, हड्डी दे दिया। भाई ये है मेरे भाई का दुकान, ठीक है, यूनिटेक गेट नंबर 1 पे, कभी भी खाने आओ तो ये जब्बार बिरयानी पे आओ, जब्बार बिरयानी पे आके भाई से मिलो, और डिस्काउंट भी मिल जाएगा कभी हो तो यूनिटेक गेट नंबर 1 के सामने आ जाना। hey guys, तो अभी हम लोगों को खा पी लिया है, सब मिलकर रेडी हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो जो डांस वगैरह था वो मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि कुछ रीजन से वहाँ पर प्राइवेसी थी, बट द थिंग इज़ अभी हो गया पार्टी ओवर, और हम लोग चले हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, तकरीबन अभी 4:30 बज रहा है, 4:30 बज रहा है रात भाई, और बहुत दूर है। तो खैर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और छोटा सा वीडियो, खैर कोई बात नहीं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।